गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 11th है और ये 13th ऑफ जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का बेहद ही आसान और ईजी टॉपिक है प्रेशर, जो कि इस प्रेशर से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% आई एम श्योर कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसे स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको नॉलेज कंप्लीट हो और इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चंस खुद से देने का प्रयास करें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए जो आपको कैसा लगता है वीडियो, राइट। टेक ए बॉल पेन इन योर हैंड, नाउ प्रेस इट टिप्ड एंड विथ योर हैंड, एंड डज इट हर्ट, नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड विद द सेम अमाउंट। यानी कि कह रहा है, ये पेन है डियर स्टूडेंट, ये पेन है, पेन की नुकीली सतह पे आप एक बार जो है ना, जिस साइड से हम लिखते हैं उसे आप दबाइए अंगूठे से, ठीक है। तो क्या आपको चुभता है? तो डेफिनेटली चुभता है। क्या उसके बाद दूसरी सतह से दबाइए तो क्या उसी तरह चुभता जिस तरह से पहले चुभ रहा था? तो नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, चुभ नहीं रहा होता, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक से दिस हैपन? तो यही होता है, जो थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है और थोड़ा सा प्रेशर नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना, क्षेत्रफल कम है, इसमें इसमें एरिया कम है, इसमें एरिया ज़्यादा है, राइट। यू नो डैट द इन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सम चेंजेस माइट अकर्स। यानी फोर्स से जो है ना, कुछ चेंजेस होता है, जैसे शेप में होता है, साइज में होता है, मोशन में होता है और ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। जैसे वेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर, जब फोर्स अप्लाइड होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज कॉल्ड द थ्रस्ट। जब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, नदी में नाव चल रही होती है, ठीक है। नदी में जब नाव चल रही होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है। फोर्स क्या होती है? परपेंडिकुलर लगती है। तो उस समय हमें जो जो देखना होता है डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट, वेन ए फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ए सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट इज ऑल्सो द डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑन द विच इट इज अप्लाइड। यानी जो थ्रस्ट का जो इफेक्ट है वो एरिया पर डिपेंड करता है। जो हम एरिया, जैसे सपोज डैट आपके पास एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है आपके पास। अब इस टेबल पे आप क्या करेंगे, इस पे जो है ना, ए यहाँ पे अगर इस टेबल को आप, डियर स्टूडेंट, इसमें जो एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं आप, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। लेकिन यहीं पे डियर स्टूडेंट आपको जो है ना, एक इस तरह का एरिया मिलेगा, यहाँ पे आप बुक वगैरह नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिर जाएगी। तो यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया अधिक है, यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। अब हमें देखना है डियर स्टूडेंट, द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड, दिस डिफाइंड बाई द अनदर फिजिकल क्वान्टिटी इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर, सो द प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर जो डिफाइन किया जाता है थ्रस्ट के द्वारा, जो पर यूनिट एरिया में लगता है, तो प्रेशर जितना लगता है इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन में एरिया, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ जो है ना आपका प्रेशर का क्या होता है, पास्कल, या पास्कल न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब देखिए, प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द एप्लीकेशन। यानी प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है टू द फोर्स रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट देखना है, जैसे कि ये पेन है, एक पेन का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, एक पेन का यहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, एक आपके पास इस तरह का चाकू मिलेगा, देखिएगा आप, ठीक है, एक इस तरह का चाकू मिलेगा आपके पास, ठीक है, और एक चाकू आपके पास इस तरह का मिलेगा, नाइफ। तो इसमें जो एरिया कम है, इसमें एरिया ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप अपने उंगली पे, हाथों पे चुभाए तो ज़्यादा वो चुभेगा नहीं, लेकिन ये चुभाएंगे तो डेफिनेटली आपकी उंगली के अंदर घुस जाएगी ये, ठीक है, नाइफ। तो आपको ध्यान से ये सब ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ट्राई नहीं करना है, धीरे से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रेशर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑन रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग ऑन द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्टिवली, और यूज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेशर बाई डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन। यानी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एरिया जो है ना क्या होता है,
जो है ना डिक्रीज होगा तो हमारे जो अंदर जो चुभ जाएगा, ठीक है। ए नाइफ कट्स इजीली थ्रू द वेजिटेबल्स फ्रॉम इट्स सेफ साइज, शार्प साइज, यानी शार्प एरिया से जो है ना एक नाइफ क्या करता है, आसानी से वेजिटेबल को कट कर देता है। लेकिन अगर ए नेल इज हैमर्ड इन द वॉल फ्रॉम द इट्स पॉइंटेड साइड, नेल जो है ना क्या करता है, जो नेल इज द हैमर हैमर्ड होता है इन वॉल फ्रॉम द इट्स पॉइंटेड साइड से। ए स्विविंग नीडल्स सीव फ्रॉम द इट्स पॉइंटेड, यानी जो दर्जी होता है, दर्जी के पास जो सुई होती है डियर स्टूडेंट, ठीक है, उस सुई से क्या करता है, ईजिली वो सील देता है कपड़ा, ठीक है, क्योंकि उसका एरिया कम है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें देखना है यूज ऑफ द डिक्रीजिंग प्रेशर्स, यानी प्रेशर जब कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, बाई इंक्रीजिंग एरिया। अगर प्रेशर को कम करने के लिए हम एरिया को इंक्रीज करते हैं, जैसे देखिए ये हमारा जो है ना बैग है, तो इसमें हम एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इसमें भी एरिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्रेशर कम लगता है हमारा। जैसे इन द बैग स्ट्रैप एंड बैग मेड द विंडर, टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ब्रॉड, पिलर्स ऑफ द फ्लाईओवर्स हैव वाइडर बेस। तो ये देखिए इसमें भी आपको एरिया ज़्यादा कर दिया गया, इस पिलर में भी एरिया ज़्यादा कर दिया गया, ठीक है, यहाँ देखिए ये एरिया, ठीक है, ताकि इसको क्या करें, मतलब डिक्रीज प्रेशर करे और इंक्रीज एरिया हो जाएगा हुआ तो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट आपको इसमें क्या था, इंक्रीज प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें डिक्रीज एरिया, एरिया को कम करना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा आएगा, इसमें प्रेशर को कम करना पड़ेगा तो हमें एरिया को ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें देखना इसमें बेहद ही आसान और इजी क्वेश्चन से डिफाइन द प्रेशर्स ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड, गिव द रीजंस ऑफ द फॉलोइंग्स, द टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड, इट इज डिफिकल्ट टू कट द फ्रूट्स विथ ए ब्लंट नाइफ, यानी जो वो नाइफ होता है जिससे सब्जी कटता नहीं, पुराना हो जाता है यानी ख़राब हो जाता, तेज़ नहीं होता, धार नहीं होती उसमें। योर फिट विल गो डीप इन सैंड इफ यू स्टैंड ओवर इट, बट यू विल बी नॉट गो टू द डीप वाइल लाइंड लेइंग डाउन ऑन इट। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। डियर स्टूडेंट अगर आपको लगेगा ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। चलिए डिफाइन प्रेशर ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड्स द, तो ये आपका डियर स्टूडेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और यूनिट एरिया यानी परपेंडिकुलर प्रेशर, ठीक है। फैक्टर ऑन विच द प्रेशर डिपेंड द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, स्पीड निर्भर करता है। इसके बाद आपका जो है ना डियर स्टूडेंट ये एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट पे निर्भर करता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, द टायर ऑफ व्हीकल आर ब्रॉड, व्हीकल यानी गाड़ी के टायर को चौड़ा क्यों किया जाता है, क्योंकि व्हीकल हैव मोर वेट, उसका ज़्यादा वेट होता है, सो ड्यू टू मोर वेट द प्रेशर ऑन द टायर इज मोर, प्रेशर ऑन द टायर ज़्यादा होता है। इट इफ़ द टायर्स आर वाइड देन द प्रेशर ऑन द देम विल ऑल्सो बी लेस एंड विल नॉट सिंक इन द सैंड, और वो सैंड मतलब उसमें नहीं धंसता है, ठीक है, बालू वगैरह जो भी रोड वगैरह पे, ठीक है। हेंस द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर मेड ऑफ वाइडर, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा बी है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कट द फ्रूट विथ ए ब्लंट नाइफ, यानी जिसमें धार नहीं हो, जो तेज़ ना हो, ठीक है, जो मतलब अच्छा नहीं हो चाकू, ठीक है, पुराना हो, ठीक है, काटते वो ख़राब हो चुका हो, उससे काफ़ी मुश्किल होता है। तो वेन द नाइफ इज ब्लंट द एरिया ऑफ द कंटेक्ट बिकम द लार्जर, जब नाइफ ब्लंट हो जाता है तो एरिया जो जो होता है कंटेक्ट भी जो है ना बड़ा हो जाता है। रिजल्ट ऑफ द विच ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज दस इट इज़ द डिफिकल्ट टू द कट द वेजिटेबल विथ ए ब्लंट नाइफ। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर, योर फिट विल गो डीप इन सैंड, यानी आपका जो बालू में आपका पैर अंदर चला जाता है, यू स्टैंड ओवर इट जब उस पर खड़े होते हैं, बट यू विल नॉट गो टू द डीप वाइल लेइंग डाउन ऑन इट, जब आप उस पर जब लेट जाते हैं तो आप अंदर नहीं जा धंसते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि वैन द वी स्टैंड जब हम खड़ा होते हैं, द एरिया ऑफ द आर फिट इज लेस, एरिया हमारे फिट का कम हो जाता है, द प्रेशर इज अप्लाइड मोर, प्रेशर ज़्यादा लगता है, बट द लेइंग डाउन जब हम सोते हैं, ठीक है, बालू पे लेटते हैं, द एरिया इंक्रीज हो जाता है एंड द प्रेशर गेट लेस एंड वी डू नॉट गेट इनटू इट, तब हम उसमें क्या करते हैं, धंसते नहीं हैं, ठीक है।
तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।